3:30 बजे देखा सबने, तो शोर मच रहा था कि बचा लो बचा लो। फिर हमारी गली में से आए 2-3 जने, तो उन्होंने भी आके दरवाजे वरवाजे तोड़े, ईंट पत्थर बजाए, लड़का उठा नहीं, बाद में बहुत देर बाद उठा, जब तक तो खत्म हुआ था जो छोटे वाला लड़का था। हाँ, धुएं से उनका दम घुट गया। फैमिली में तो 5 जने थे, एक बेटा नीचे सो रहा था और 4 जने ऊपर कमरे में थे, चारों खत्म हो गए। फोरेंसिक वाले आए थे, वो बोल रहे थे कि क्या नाम है, टेबल पर मोर्टिन रखी हुई थी, उसकी वजह से आग लगी है, मंदिर में लगी है उसकी वजह से, फिर क्या नाम मंदिर से सारे में फैल गया। जलको दिल्ली बहुत सारे नए नए ऑफर लेकर आता रहता है, ऐसे में आपको बताएं कि अभी लिमिटेड ऑफर चल रहा है जो कि डीमैट अकाउंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें ना सिर्फ आप बल्कि आपके जो दोस्त हैं वो भी घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में पैसे कमा सकते हैं। तो विश्वास करिए, यकीन मानिए, आपके पॉकेट से एक भी पैसा नहीं जाएगा। जल्दी से जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको टच करिए, तो वहाँ पर जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी तक मौजूद है हम लोग पुरानी सीमापुरी में। आपको बताएं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा सामने आता है जो कि सुबह के तकरीबन 4 बजे का बताया जा रहा है। आपको बताएं कि अभी जिस बिल्डिंग के आगे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर सुबह के 4 बजे के करीब छोटी सी चिंगारी लग जाती है, जिसमें जो पूरा परिवार है वो जलकर राख हो जाता है। अभी तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी आगे हम चलकर आपको दिखाते हैं कि किस स्थिति में पूरा मकान जो है और किस तरीके से इस ये जो पूरी घटना है, पूरी वारदात है, वो हुई है। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता जी, बताइए कितने बजे का मामला है ये? 3:30 बजे सबने सुना था हल्ला, आग लग रही थी, तो 3:30 बजे देखा सबने, तो शोर मच रहा था कि बचा लो बचा लो। फिर हमारी गली में से आए 2-3 जने, तो उन्होंने भी आके दरवाजे वरवाजे तोड़े, एक इनका लड़का भी था सामने वालों का, सारे ईंट पत्थर बजाए, लड़का उठा नहीं, बाद में बहुत देर बाद उठा, जब तक तो खत्म हुआ था। जो छोटे वाला लड़का था? हाँ, वो सब बहुत लेट उठा, वो सो रहा हुआ था, वो भी हार्ड थक्के सो गया, 12 बजे सोया था आके ड्यूटी से, तो नहीं आगे खुली उसकी बेचारे की, अब उठा नहीं तो क्या नाम है, आग बढ़ती चली गई, अब धुएं से उनका दम घुट गया। मतलब पहले आग लगी, उन्होंने बचाव किया, शोर मचाया, हाँ, लेकिन धुएं की वजह से दम तोड़ घुट गया उनका, धुएं की वजह से। पुलिस बहुत देर बाद आई है, फोन तो हमने जब ही कर दिया था सबने, लेकिन बहुत देर बाद आई है पुलिस। आप लोग जब यहाँ पे आए थे तब तक आग बुझ चुकी थी या फिर जल ही रही थी? जल रही थी। हाँ, उस टाइम भी किसी ने फायर ब्रिगेड को या फिर किसी को बुलाया नहीं? नहीं, फोन करा, पुलिस वालों ने फोन करा, आ गई थी फायर ब्रिगेड। परिवार में कौन कौन उनके? बस 3 बच्चे थे, दोनों मियां बीवी थे, 4 तो खत्म हो गए, एक लड़का बचा बस। और कोई भी सगी संबंधी कोई नहीं है यहाँ पे? नहीं, और कोई नहीं है, वो अकेले थे। और रात का मामला है, इस वजह से कोई बचाव भी नहीं कर पाया। फोरेंसिक वाले आए थे, वो बोल रहे थे कि क्या नाम है, टेबल पर मोर्टिन रखी हुई थी, उसकी वजह से आग लगी है, मंदिर में लगी है उसकी वजह से, फिर क्या नाम मंदिर से सारे में फैल गया। ऊपर का कोई रास्ता नहीं है, बस ये मेन गेट है, यहाँ से कोई जा ही नहीं पाया, नीचे का दरवाजा लगा हुआ था, कोई नहीं जा पाया। अच्छा, कह रहे हैं कि खिड़की वगैरह भी तोड़ी गई है यहाँ पे? नहीं, खिड़की तो आग से अपने आप ही टूटी है, कांच टूटा है, आग से खिड़की नहीं तोड़ी किसी ने भी। अच्छा, ये बताइए घटना के बारे में पता है कि क्या हुआ था, क्यों आग लग गई थी? मैम इतना तो मेरे को पता नहीं, पर लोग बाग बता रहे हैं कि मंदिर में दिया जल रहा था, उसकी वजह से लगी है। और इसके बारे में पता कैसे चला? पता नहीं, किसी और ने बताई होगी, तो जब हल्ला मचा था। कितना बड़ा परिवार था? फैमिली में तो 5 जने थे, एक बेटा नीचे सो रहा था और 4 जने ऊपर कमरे में थे, चारों खत्म हो गई। ये मकान आप देख सकते हैं कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी ये वही मकान है। आपको बताया कि जो तीसरा वाला मंजिला है उसमें आग लगी थी। आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में जो खिड़की है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पूरी खिड़की राख हो चुकी है, पूरी कालिक उस पर छाई हुई है, उसी के अंदर वो पूरा परिवार है जो रात के समय में सो रहा था। जैसे कि आसपास के लोगों का कहना है कि जो घर की जोत होती है वो जल रही थी, जो कि 24 घंटे लगातार यहाँ पर जलाई जाती थी, उसी में थोड़ी सी आग लगी और वो पूरे घर में फैल गई। उसके साथ साथ में ये बताया जा रहा है कि जो लोग थे उसके अंदर जो मौजूद लोग थे उन्होंने बचाव के लिए कई बार आवाज़ें लगाई, चिल्लाए भी, और जब धुआं आसपास में देखा गया उसके बाद ही पुलिस को फोन किया गया और उसके साथ में जो फायर ब्रिगेड है उसको भी बुलाया गया। लेकिन जिस तरीके से जब बाद में बॉडी निकाली गई तब तक वो पूरे के पूरा जितना भी परिवार था सब खत्म हो चुके थे, किसी में भी कोई भी सांस नहीं बची थी। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो परिवार है उसमें 4 लोग शामिल थे, जिसमें माता पिता थे और साथ में उनका बेटा और एक बेटी थी, और साथ में जो लड़का है उसके अगले महीने शादी की तारीख जो थी वो भी पक्की थी। बाकी आपको बता दें कि यहाँ पर ऊपर जाने के लिए जो रास्ता था वो सिर्फ एक ही बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जीना है
सिर्फ वही रास्ता है जहाँ से ऊपर या फिर नीचे आया जा सकता था। इसके साथ साथ में आप देखिए कि जो तीसरा फ्लोर है, आप देख सकते हैं कि इस साइड से पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन उस तरफ से आग लगी हुई थी तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है अभी। साथ ही में आप ये भी देखिए कि यहाँ पर पुलिस ने येलो बैरिकेडिंग भी की है, यानी कि जो तार है वो भी लगाई गई है, रास्ता भी बंद किया गया है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। हालांकि जो पूरी घटना है वो पूरी तरीके से किसी को नहीं पता है कि आखिर हुआ क्या था। आगे जो रिपोर्ट फॉरेंसिक बताई जा रही है उसमें यही कहा जा रहा है, जो शव बरामद हुए हैं, जो भी निकाले गए हैं, वो बिल्कुल ही बुरी व्यवस्था में थे और साथ में सिर्फ आग लगने की वजह से ही नहीं बल्कि जो धुआं फैला हुआ था उससे जो दम घुटा था उसकी वजह से भी उनकी मृत्यु हो चुकी है। अभी यहाँ का हाल मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पुलिस ने येलो बैरिकेडिंग की हुई है, रास्ते को बंद किया हुआ है। जो बॉडी है वो सुबह 4 बजे निकाल ली गई थी, उसके बाद से अभी थोड़ी देर पहले ही परिजनों के साथ जो पूरा परिवार है वो शमशान घर में गया है, जहाँ पर जो शव है उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। आगे क्या रिपोर्ट होगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। साथ ही में सब बने रहिए, आपका बहुत शुक्रिया। मैं रिया कैमरा पर्सन राजा के साथ झलको दिल्ली।